अयोध्या जैसे जटिल विवाद पर अब कुछ ही दिन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। समाज में इसे लेकर आकांक्षाओं की स्थिति बनी हुई है और इस केस को आजाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण केस माना जा रहा है। इस बीच दो दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ट्वीट के जरिए अपील की थी कि सब लोग अदालत के फैसले को खुले मन से स्वीकार करें, यानी जो भी फैसला हो उसे सभी पक्ष स्वीकार करें और देश में शांति बनाए रखें। मीडिया में इस बयान को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन मीडिया में ये खबर भी जोरों पर है कि पिछले साल आरएसएस और बीजेपी के बीच संसद में कानून के जरिए राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर कई महीनों तक तनातनी रही थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लोकसभा चुनावों से महज 6 महीने पहले राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बीजेपी और संघ के बीच तनाव की वजह बना था। इस तनाव ने एनडीए की पहली सरकार के दौरान तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वीएचपी के अशोक सिंघल और आरएसएस प्रमुख सुदर्शन के बीच तनाव की यादें ताजा कर दी। लेकिन इस बार बीजेपी नेता संघ को ये समझाने में सफल रहे कि राम मंदिर निर्माण के लिए संसद कानून लाने का रास्ता कोर्ट में प्रतिकूल साबित हो सकता है। सितंबर 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय बातचीत के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर में जल्द से जल्द बैठक बुलाने की शुरुआत हुई। उन्होंने 18 अक्टूबर 2018 को नागपुर में दशहरा भाषण में अपनी बात दोहराई। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने पिछले 4 भाषणों में इस मुद्दे को नहीं उठाया था। दशहरे के एक पखवाड़े के भीतर विहिप ने कार्य योजना तैयार करने के लिए संतों की एक बैठक की। खबरों की माने तो तनाव बढ़ने पर बीजेपी ने अपनी बात रखी। पिछले साल अक्टूबर के अंत में लखनऊ में एक बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आरएसएस के संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल की उपस्थिति में संकेत दिया कि सरकार को अदालतों को दरकिनार करने में सीमाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन आरएसएस ने विहिप द्वारा चलाए गए आंदोलन को प्रोत्साहित करना जारी रखा। वहीं इसके बाद बीजेपी ने कानूनी बिरादरी में अपने दोस्तों से सलाह ली और बीजेपी की लीगल सेल के प्रमुख जगदीप धनखंड, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद कानून बनाने के रास्ते का समर्थन किया। पीएम मोदी ने नए साल के दिन अपने इंटरव्यू में कहा था कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने देते हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की जो भी जिम्मेदारी होगी हम उसे पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने को तैयार हैं। इसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में अमित शाह रामलाल ने भागवत के साथ चेन्नई में बैठक की, जिससे मामला सुलझने की शुरुआत हुई और ये दोनों इस मुद्दे पर साथ चलने को सहमत हुए। न्यूज़ डेस्क।